कि क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में। अरे क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने खार को बिछू में है तितलियां मदीने में। और हजरत जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती है आंधियां मदीने में। हाय हाय इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर असानी साहब समाप्त कीजिएगा। मेरी चार छोटी छोटी सी बेटियां हैं। कितनी भाई? चार। मुझे पता है कि एक बाप को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होती है। बाप और बेटी का एक अलग सा रिश्ता होता है ना, अलग सी मोहब्बत होती है। इतनी माँ के साथ बेटी को नहीं होती जितनी बाप के साथ होती है। वो शादी के बाद ही रहती है। बेटी अगर आपकी बेटी है, माँ है, बहन है, आपकी घर वाली है, आपकी इज्जत है, और अगर इसको ये इज्जत फराहम की है तो इस्लाम ने और मेरे नबी ने की है, वरना उससे पहले यही बेटी जिंदा दरगोर हो जाया करती थी। सही है? समाअत कीजिएगा। यकीनन ये शेर वो बंदा समझेगा जिसके घर में उसकी बेटी मौजूद है, उसकी बहन मौजूद है, और अगर समझ में आ जाए तो मैं देखता हूँ कि आप हुजूर की अजमत को किस अंदाज से सलाम पेश करते हैं। समाअत कीजिएगा। हाथ ऐसे बांधे हुए आपने, अगर ये हाथ नबी की मोहब्बत में उठ जाए तो ये हाथ कभी ऐसे नहीं होगा, इंशाल्लाह ये ऐसे ही उठा रहेगा। समझ गए भाई? समाअत कीजिए। शायर क्या लिखता है, बहुत प्यारा शेर, के आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए के दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में। जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं, जब भी उनके दर जाऊं कैद हो के रह जाऊं, है रिहाई से बेहतर अरे बेड़िया मदीने में।